नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उन इश्यू को डिस्कस करेंगे जो वर्तमान में चर्चा में बने हुए हैं। यह वीडियो सीरीज आपको आगे आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में बेनिफिशियल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स। कंटेक्स्ट क्या है कि अभी हाल ही में मिशन इनोवेशन के बिहाफ पर भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म ने मिलकर नई दिल्ली में सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस इवेंट में सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए और साथ ही तकनीकी एक्सपर्ट्स, शोधकर्ता और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और उद्योग से जुड़े लोग और निवेशकों ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। और इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या था? देखो सर दोस्तों, अगर एम्स की बात करें तो सरकार के पॉलिसी मेकर्स, निवेशक, उद्योग और शोधकर्ताओं को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना इसका एम था, जहां वे एडवांस बायोफ्यूल्स के निर्माण को लेकर जो चुनौतियां हैं और जो उनके अब तक के अनुभव रहे हैं इस क्षेत्र में, इन सब को आपस में शेयर कर सकें और साथ ही वे जो कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्शन और प्राइवेट सेक्टर तथा निवेशकों के जो इश्यूज है इस एडवांस बायोफ्यूल को लेकर, उनको भी आपस में डिस्कस कर सके। तो ये इस कॉन्फ्रेंस का एम था। अब दोस्तों थोड़ा बात करते हैं कि मिशन इनोवेशन क्या है। देखो ये 22 देशों और यूरोपियन यूनियन की एक वैश्विक पहल है जो स्वच्छ ऊर्जा को अधिक व्यापक रूप से सस्ता बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ ऊर्जा के सेक्टर में इनोवेशन को तेज करने से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है ये? ये स्वच्छ ऊर्जा के सेक्टर में इनोवेशन को तेज करने से संबंधित है और इसमें भाग लेने वाले देश 5 साल में क्लीन एनर्जी रिसर्च व डेवलपमेंट में निवेश को दुगना करेंगे। 5 साल में निवेश को दुगना करेंगे क्लीन एनर्जी रिसर्च व डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और साथ ही मिशन इनोवेशन सदस्यों ने 7 लक्ष्यों या कह लो इनोवेशन चैलेंजेस की पहचान की है और सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स उन्हीं 7 में से एक चैलेंज है। ठीक है, और मिशन इनोवेशन के अंतर्गत सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स इनोवेशन चैलेंज का लक्ष्य है कि परिवहन और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सस्ते और उन्नत बायोफ्यूल्स उत्पादन करने के तरीके विकसित करना और ऐसा करने के लिए रिसर्च को बढ़ावा देना। समझ गए मिशन इनोवेशन को? तो दोस्तों अब थोड़ा बात करते हैं कि बायोफ्यूल्स क्या होते हैं। देखो ये वो फ्यूल्स होते हैं, वो ईंधन होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे एग्रीकल्चर और एनारोबिक डाइजेशन से तैयार किया जाता है। ठीक है, बायोफ्यूल को या तो डायरेक्टली प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली कृषि, कॉमर्शियल, डोमेस्टिक अथवा औद्योगिक अपशिष्ट से बायोफ्यूल प्राप्त किया जा सकता है। और बायोफ्यूल की कई जनरेशन हैं। देखो अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में वो बायोफ्यूल्स आते हैं जो फूड क्रॉप से बनते हैं। जैसे ये बायोफ्यूल्स हम प्राप्त करते हैं चीनी से, स्टार्च से या वेजिटेबल ऑयल से। तो और ये वेजिटेबल ऑयल्स और चीनी कहाँ से आती है? ये फूड क्रॉप से मिलती है। तो यानी फर्स्ट जनरेशन में वो बायोफ्यूल आएंगे जो फूड क्रॉप से बनते हैं। अब आती है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में वो बायोफ्यूल आते हैं जो वेरियस टाइप ऑफ बायोमास से बनते हैं, जैसे वेस्ट प्लांट मटेरियल हो गया या फिर कृषि अवशेष हो गया या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया। तो इन सब से जो बायोफ्यूल बनाया जाता है वो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल में आता है। और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में वो बायोफ्यूल आते हैं जो एल्गी से बनते हैं। और इन सब से आगे आती है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स का उद्देश्य है कि न केवल सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, साथ ही CO2 को कैप्चर और स्टोर भी किया जाए। ठीक है, तो ये थे बायोफ्यूल्स की 4 जनरेशन। और अब थोड़ा टाइप देख लेते हैं। देखो मेनली ये 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया इथेनॉल, दूसरा हो गया बायोडीजल। इथेनॉल तो बनता है शुगर से, स्टार्च से या सेलुलोज के फर्मेंटेशन यानी किण्वन से इथेनॉल बनता है। और बायोडीजल बनाया जाता है एनिमल फैट से या फिर वनस्पति तेल से, जैसे पाम ऑयल हो गया या सरसों का तेल हो गया या जेट्रोफा ऑयल हो गया, तो इससे बायोडीजल बनता है। ठीक है,
तो अब थोड़ा बात करते हैं, ये तो हो गए बायोफ्यूल के प्रकार हो गए या उनकी जनरेशन की बात हो गई, अब थोड़ा बात करते हैं कि सस्टेनेबल बायोफ्यूल से क्या तात्पर्य है। देखो सस्टेनेबल बायोफ्यूल में वो बायोफ्यूल आएंगे जो सस्टेनेबल मैनर से उत्पादित किया जाए, और सस्टेनेबल मैनर का कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं कि अगर उस क्राइटेरिया के आधार पर कोई बायोफ्यूल तैयार किया जाता है तो वो सस्टेनेबल बायोफ्यूल में आएगा। जैसे अगर कोई बायोफ्यूल तैयार करते हैं वक्त हम ये देखें कि हमारी फूड सिक्योरिटी किसी तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। जैसे मान लो हमने जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बनाते हैं वो हम खाद्य फसलों से बना रहे हैं, देखो अगर हम खाद्य फसलों से ये बायोफ्यूल ही बनाने लग जाएं तो फिर हम खाएंगे क्या, पहली बात तो ये। और दूसरा अगर खाद्य फसलों का यूज़ बायोफ्यूल में करने लगे तो इससे जो फसलें महंगी होगी, और फसलें अगर महंगी हो गई तो गरीब व्यक्ति कैसे परचेज करके उनका उपभोग कर पाएगा। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया तो सस्टेनेबल बायोफ्यूल का ये है कि वो फूड सिक्योरिटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करता हो, और दूसरा ये है कि वह लैंड राइट्स का हनन न करे तथा जल का अंधाधुंध प्रयोग से बचे। यानी इन बायोफ्यूल्स को उत्पादन करने के लिए जो हम पौधे वगैरह लगा रहे हैं या फसलें कर रहे हैं उनमें पानी का अंधाधुंध प्रयोग ना होना चाहिए ज़्यादा उत्पादन के लिए। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें लैंड यूज़ का ज़्यादा चेंज नहीं करना है, यानी ऐसा नहीं करना कि जंगल काट के हम वो फसलें लगा रहे हैं और फिर उन फसलों से बायोफ्यूल बना रहे हैं, तो ये भी नहीं करना। और साथ में ध्यान रखना है कि एयर पोल्यूशन भी ना हो। और इन सब बातों के अलावा सस्टेनेबल बायोफ्यूल में एक क्राइटेरिया ये है कि जो बायोडायवर्सिटी है और या फिर जो सॉइल हेल्थ है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यानी बायोडायवर्सिटी पे तो कैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि हम जंगल ज़्यादा काट दें और उनकी जगह फसल लगाना स्टार्ट कर दें तो उससे हमारी डायवर्सिटी प्रभावित होगी, और सॉइल हेल्थ कैसे प्रभावित होगी, हम ज़्यादा जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह के यूज़ करें, रासायनिक कीटनाशकों का यूज़ करें ज़्यादा उत्पादन के लिए तो उससे हमारी सॉइल हेल्थ प्रभावित होगी। तो कुल मिला के सस्टेनेबल बायोफ्यूल में वो बायोफ्यूल आते हैं जो सस्टेनेबल मैनर से उत्पादित किए जाते हैं, और उसके लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं वो मैंने आपको अभी बताए हैं। और वैसे हम बात करें इन बायोफ्यूल्स की तो जीवाश्म ईंधन के बजाय इनसे प्रदूषण भी कम होता है और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी कम होता है, बट हमें थोड़ा सा इनका यूज़ समझदारी से करने की आवश्यकता है। तो ये था बायोफ्यूल का इश्यू, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये आती है सृजन। देखो सृजन का फुल फॉर्म है हिंदी में संयुक्त कदम के जरिए स्टेशन कायाकल्प पहल। देखो यह एक तरह से एक प्रतियोगिता है और इसका शुभारंभ भारतीय रेलवे द्वारा माई गवर्नमेंट पोर्टल पर किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए नए आइडियाज प्राप्त करना। ठीक है, इसीलिए ये प्रतियोगिता आरंभ की गई है ताकि नए आइडियाज मिल सकें। इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक तो लोगो प्रतियोगिता होगी और दूसरी होगी टैगलाइन प्रतियोगिता, और इसमें जो विजेता होगा उनको 75,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। यानी दोनों में अलग अलग इनाम है 75,000 75,000 का। तो ध्यान रखना सृजन के बारे में, यह एक प्रतियोगिता है और इसका उद्देश्य है कि जो 635 रेलवे स्टेशनों को चुना गया है उनके विकास के लिए नए आइडियाज प्राप्त करना। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये आता है ब्लू कलर्ड न्यू आधार कार्ड, नीले रंग का न्यू आधार कार्ड। कंटेक्स्ट क्या है कि UIDAI ने 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए एक नीले रंग का बाल आधार कार्ड पेश किया है। इसमें नया क्या होगा, देखो इसमें इस जो ये बच्चों के लिए आधार कार्ड आया है नीले रंग का, इसमें बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जैसे फिंगरप्रिंट्स और आयरिस स्कैन की ज़रूरत नहीं होगी, और जब बच्चा 5 साल की आयु प्राप्त कर लेगा तब ये इन्फॉर्मेशन अपडेट उसके आधार कार्ड में कर दी जाएगी। ठीक है, और आधार के बारे में बात करें तो यह एक 12 अंकों वाला यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जिसे UIDAI इश्यू करता है। और UIDAI क्या है, UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यह एक स्टैचुरी अथॉरिटी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी,
इसकी स्थापना हुई थी आधार एक्ट 2016 के आधार पर जुलाई 2016 में, ठीक है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? यह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 8 क्षेत्रीय मुख्यालय भी है। तो ध्यान रखना इस नए आधार कार्ड को, जो नीले रंग का है, और यह बच्चों के लिए है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो अब चलते हैं दोस्तों नए नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये आता है वायरल लोड टेस्टिंग। कंटेक्स्ट क्या है कि सरकार ने एचआईवी एड्स से ग्रसित लोगों को साल में कम से कम एक बार निशुल्क वायरल लोड टेस्टिंग उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। यानी एचआईवी एड्स से संबंधित लोगों के लिए है और इससे वो 1.2 मिलियन लोगों को लाभ होगा जो एचआईवी एड्स से ग्रसित हैं और अभी उपचार ले रहे हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर ये वायरल लोड टेस्टिंग है क्या। देखो, वायरल लोड से अर्थ होता है कि किसी निश्चित वॉल्यूम में वायरस क्वांटिटी कितनी है, ये क्वांटिटी संख्यात्मक रूप से अगर अभिव्यक्त कर दी जाए तो उसे वायरल लोड कहते हैं, ठीक है, समझे। यानी किसी दिए गए निश्चित वॉल्यूम में वायरस क्वांटिटी को जब हम संख्यात्मक रूप से पेश करते हैं तो उसे वायरल लोड कहते हैं। यानी इससे पता चल जाता है कि पर ml पर वायरस पार्टिकल कितने हैं। और ये टेस्ट एचआईवी के मामलों में कैसे हेल्प करेगा? देखो, इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि जो ब्लड सैंपल लिया गया है, इस ब्लड सैंपल में एचआईवी जेनेटिक मटेरियल यानी वायरस का आरएनए कितना है। यानी हम उस ब्लड को चेक करके जब हमें पता चल जाएगा उसमें वायरस कितना है, तो हम रोगी की स्थिति का भी पता उससे चल जाएगा कि उसकी कंडीशन अभी स्टार्टिंग वाली है या फिर काफ़ी बिगड़ चुकी है, ठीक है। यानी एक बार ये जब पता चल जाएगा तो हम रोगी को फिर उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकेंगे। अगर दोस्तों एचआईवी की बात करें तो भारत में दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी एचआईवी ग्रसित जनसंख्या है, ठीक है। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा एचआईवी वाले लोग हैं दक्षिण अफ्रीका में और दूसरे में है नाइजीरिया में। और भारत में लगभग 25 लाख लोग ऐसे हैं जो एचआईवी एड्स से ग्रसित है। और ये जो सर्विस है ना, ये एआरटी सेंटर द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब ये एआरटी का क्या मतलब? एआरटी से मतलब है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। दोस्तों, ये उन दवाओं का समूह है जो एचआईवी को ट्रीट करने में काम में आती हैं। बट ध्यान रखना, ये दवाएं एचआईवी वायरस को मारती नहीं है, बस ये वायरस की ग्रोथ को रोकती भर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एचआईवी और एड्स में डिफरेंस है? देखो, जब कोई स्वस्थ व्यक्ति को जो एचआईवी वायरस से ग्रसित हो जाता है तो उसमें होता क्या है कि उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती चली जाती है, ठीक है। तो जब उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है तो कई वह व्यक्ति धीरे धीरे कई रोगों से ग्रसित हो जाता है। जैसे मान लो टीबी। देखो, टीबी एक ऐसा रोग है जो एचआईवी से ग्रसित व्यक्तियों को आमतौर पर हो ही जाता है। तो जब एचआईवी से ग्रसित व्यक्ति कई तरह से रोगों से ग्रसित हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं एड्स। यानी स्टार्टिंग की कंडीशन है एचआईवी और एचआईवी होने के बाद व्यक्ति का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। और जब इम्यून सिस्टम के कमजोर होने से वह कई रोगों से ग्रसित हो जाता है लास्ट में, तो उस कंडीशन को कहते हैं एड्स, ठीक है। और एआरटी क्या कर रही है? एआरटी वायरस की ग्रोथ को बस रोकती भर है, वो वायरस को मार नहीं पाती, ठीक है। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये आता है तुंगभद्रा ऑटर कंजर्वेशन रिजर्व। देखो, कर्नाटक ने 2016 में तुंगभद्रा के पास पहला ऑटर यानी उदबिलाव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया था। और इस रिजर्व में यूरेशियन ऑटर है, स्मूथ कोटेड ऑटर है, महाशीर मछली मिलती है, फ्रेश वाटर मगरमच्छ मिलता है और टर्टल इत्यादि भी यहाँ पाए जाते हैं। अगर हम स्मूथ कोटेड ऑटर की बात करें तो ये लगभग पूरे भारत में पाया जाता है और ये आईयूसीएन की वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। और हम अगर तुंगभद्रा नदी की बात करें तो यह मुख्यतः कर्नाटक में बहती है और यह किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। तो ध्यान रखना तुंगभद्रा ऑटर कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में, और यह कर्नाटक में है और यह पहला ऑटर यानी उदबिलाव कंजर्वेशन रिजर्व है।
तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये आती है गोवर्धन योजना। कंटेक्स्ट क्या है? देखो, सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने पर विचार कर रही है और इस प्लेटफॉर्म पर होगा क्या, इस प्लेटफॉर्म पर गोवर्धन योजना के तहत काऊ डंग यानी गाय का गोबर और एग्रीकल्चर वेस्ट का व्यापार हो सकेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं गोवर्धन योजना के बारे में। देखो, केंद्रीय सरकार की यह योजना मुख्यतः किसानों के लिए है और इस योजना में मवेशियों के गोबर के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और साथ ही और इसे जैव ईंधन के रूप में यूज़ किया जाएगा और इससे 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने पर फोकस किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली इस योजना में पशुओं के मल एवं खेतों के अपशिष्ट पदार्थ जैसे भूसा हो गया, पत्ते हो गया, इन सब का यूज़ करके कंपोस्ट बनाई जाएगी, बायोगैस बनाई जाएगी या फिर बायो सीएनजी बनाई जाएगी। और इससे लाभ क्या होगा? देखो, एक तो इससे जानवरों के अपशिष्ट का निपटान हो जाएगा जिससे साफ सफाई भी बढ़ेगी और जब किसान इससे कंपोस्ट या बायोगैस या बायो सीएनजी बनाएंगे तो इस सब से किसानों की आय भी बढ़ेगी और जब उनकी आय बढ़ेगी तो फिर उनका जीवन स्तर में भी सुधार होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना गोवर्धन योजना के बारे में। तो दोस्तों बस आज के डिस्कशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।